दूसरे वनडे के लिए। कोलकाता पहुंचते ही टीम इंडिया को मिली है तीन बड़ी खुशखबरियां। क्या है खबर की पूरी जानकारी और कौन कौन सी है तीन बड़ी खुशखबरियां बताएंगे आपको इस वीडियो में। इससे पहले आप भी टीम इंडिया के सच्चे दिल से फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारत ने बड़े ही आसानी से 64 रनों से अपने नाम किया। दोस्तों भारत अब दूसरे वनडे मैच खेलने के लिए कोलकाता पहुंच चुकी है, जो कि भारत के लिए ये मैच बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत इस मैच को जीतकर श्रृंखला 2-0 से अजय बढ़त बना लेगी। दोस्तों भारत और श्रीलंका का दूसरे वनडे मैच भारतीय टाइम अनुसार 1:30 पर शुरू होगा। लेकिन इस मैच से पहले भारतीय टीम को तीन बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म में लौटना है, क्योंकि दोस्तों काफी समय से रोहित शर्मा का प्रदर्शन काफी ही खराब रहा है। लेकिन पहले वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा ने शानदार 83 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए थे और आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी, विराट कोहली का फॉर्म में आना है, क्योंकि दोस्तों पिछला वनडे मैच में विराट कोहली शानदार शतक लगाया है और 113 रनों की पारी खेली है। तो उससे पहले मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली ने शतक लगाया था, जो कि भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि दोस्तों इसी साल भारत का वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है। दोस्तों भारत के लिए तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी, उमरान मलिक का भारत को मिलना है, क्योंकि दोस्तों उमरान मलिक का वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन जारी है और भारत को जब जब विकेटों की जरूरत रही है उन्होंने विकेट दिला के दी है। दोस्तों आपको क्या लगता है दूसरा वनडे मैच कौन जीतेगा, प्लीज अपनी राय कमेंट करके बताइए। और क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो और न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।